बताता हूँ कि जो रनिंग स्टाइल होता है ना वो यहाँ पे किस तरीके से होता है फ्री फायर में और पबजी में, ठीक है। और साथ ही साथ बैठने के बाद जो है सीट एंड रन जो करते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से फ्री फायर में और पबजी में है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स का अंतर है, लेकिन रनिंग और यहाँ पे सीट वाला जो ऑप्शन है ना, इन दोनों में काफी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो एंगल होता है ना वो दोनों में काफी ज्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। इसलिए फ्री फायर वालों को पबजी पसंद नहीं आता, पबजी वालों को फ्री फायर। नंबर 7 की बात करें तो वह यहाँ पे रूम स्टाइल, जो डोर होते हैं ना वो फ्री फायर में आपको कहीं पर भी डोर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पबजी में आपको हर एक घर में डोर देखने को मिलेगा, जहां पे आप खोलते हो और अंदर जाते हो और लूट करते हो। वहीं फ्री फायर की बात करें तो सारा का सारा दरवाजा खुला रहता है, आप जाके यहाँ पे लूट कर सकते हो। तो डोर की बात करें तो पबजी में आपको यहाँ पे डोर देखने को मिलता है, वहीं फ्री फायर में आपको कोई भी डोर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो डोर के मामले में यहाँ पे फ्री फायर से बेटर है पबजी, जो कि आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो डोर कुछ इस तरह से होते हैं दोनों गेम में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। बात करते हैं नंबर 6 की, तो वो है दोनों का ऑफिसेस। फ्री फायर का आप यहाँ पे ऑफिस देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, जहाँ आप एंट्री जो करते हो वहाँ पे गरे कुछ इस तरह से लिखा रहता है, और यहाँ पे जो इम्प्लॉय काम करते हैं, जो फ्री फायर वाला इम्प्लॉय है, जहाँ पे डिजाइन वगैरह करते हैं, लाइट पास वगैरह बनाते हैं, जो बंडल वगैरह का डिजाइन होता है वो यहाँ पे बैठ के करते हैं, और उसके यहाँ से जो खिड़की का नजारा होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रूम है जहाँ पे फ्री फायर का ऑफिस कुछ इस तरह से लगता है देखने में। वहीं बात करें पबजी की, जो कि टेंसेंट गेम ने बनाया है, वो ऑफिस काफी ज्यादा बड़ा आपको लगेगा, जो कि चाइना में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसके अंदर आपको